फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट आइडियाज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि असाइनमेंट के पेजेस को आप किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो बच्चों को बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं, तो आप इनसाइड जो पेजेस हैं उनको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस डेकोरेशन को आप फ्रंट में भी यूज़ कर सकते हैं और कवर पेज भी बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, ये पेपर है, इस पे जो कॉर्नर की डिज़ाइंस होती हैं वो कुछ बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपके पास दो स्केच कलर्स होने चाहिए। यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड लिया है, आप पर्पल और रेड ले सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो अच्छे लगे आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल डिज़ाइंस बता रही हूँ जो आप फटाफट बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और जो कॉर्नर्स हैं, आपको पूरा कवर नहीं करना है, सिर्फ कॉर्नर्स पे ये डिज़ाइंस बनानी है ऐसे। ओके, एक बार रेड, ग्रीन, देन रेड, देन ग्रीन एंड देन रेड। अगर आप फ्रंट पेज बना रहे हैं तो आप एज अ बॉर्डर पूरे में कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ बॉटम में बना दीजिए। ओके, या फिर इस डिज़ाइन को इस तरफ बनाएं और एक डिज़ाइन इस तरफ बनाएं। इस तरीके से आप पेज को डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, सेकंड डिज़ाइन, आप स्केल की मदद से कॉर्नर पे लाइन बनाइए अलग अलग तरह से। जैसे कोई भी दो कलर्स ले लीजिए, ये देखिए, और दूसरी लाइन इससे छोटी। सेम यहाँ पे बनाएंगे, ओके। ये जो डिज़ाइन है ये आप अगर चारों कॉर्नर्स में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और अगर सिर्फ अल्टरनेट कॉर्नर्स मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बनाना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, या यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो ये एक तो सिंपल डिज़ाइन है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा और ऐड करके इसी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप डॉट्स बड़ी, छोटी और फिर छोटी, इस तरह से आप डॉट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डॉट्स की जगह आप छोटे से हार्ट शेप बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप के शेप्स बना सकते हैं, जैसे इस टाइप के शेप्स बना सकते हैं। ओके, इसी तरीके से डिफरेंट शेप्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड हमारी जो डिज़ाइन है, फोर्थ डिज़ाइन। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक फाइल है, ओके, जिसपे लाइंस, जो हमें पता चलती है कि ये लाइंस हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो फाइल्स होती हैं इस पे आप पेज का कॉर्नर इस तरीके से रख दीजिए, सिर्फ कॉर्नर जितने में आपको बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे मैं क्रेयॉन्स यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल कलर यूज़ करें।
और ये बॉर्डर आप पेज के चारों तरफ बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। अगर आपको बहुत सारे पेजेस पे ये डिज़ाइन देनी है तो इसके लिए ये बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। देखिए ये कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पे मैंने एक ही कलर यूज़ किया है, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। एक स्केच कलर आप ले लीजिए, यहाँ पे मैंने ब्लैक लिया है, और पेज की बॉर्डर बना दीजिए सबसे पहले। अब हर कॉर्नर पे 3 सर्कल्स बनाने हैं कुछ इस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगी और बहुत जल्दी बहुत सारे पेजेस पे आप बना सकते हैं। इन सर्कल्स को आप इसी तरह जैसे दिख रहे हैं अलग अलग कलर से ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनको शेड भी कर सकते हैं। मैं आपको शेड करके बताती हूँ इनका लुक कैसा आएगा। आप ये सर्कल्स डिफरेंट कलर से भी फिलअप कर सकते हैं और एक ब्लैक कलर की आउटलाइन दे सकते हैं तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक तो ये हो गई हमारी फिलअप करके एक डिज़ाइन पूरी, हम इसको और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे सर्कल्स बनाकर भी इसको बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं। इस तरीके से आप रख सकते हैं या दोनों तरफ इन सर्कल्स को बना दीजिए। देखिए ओके, तो मैं दोनों तरफ बता के बताती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। ये भी बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है। देखिए है ना क्यूट। ओके तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं जो नेक्स्ट डिज़ाइन बता रही हूँ आपको, ये कंटेंट से रिलेटेड है। आप कोई भी कंटेंट अगर लिखते हैं तो उसको भी एक आउटर लुक दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्केल का यूज़ किया है, बट आप अगर फ्री हैंड से भी कुछ डिज़ाइन बनाना चाहें, हल्का सा कर्व बनाना चाहें, तो कर्व बनाकर भी आप अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ बीच में आप अपना कंटेंट लिख दीजिए और ये जो गैप है यहाँ यहाँ पे आप फिलअप भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से आप अपने कंटेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। अब फ्री हैंड से आप पेज के कॉर्नर पर इस तरीके से कर्व्ड लाइन्स बना दीजिए। ओके और जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये सेम नहीं होंगी तो भी चलेगा क्योंकि फ्री हैंड है, अच्छा दिखता है। ओके अब जो बीच वाली लाइन है इसको आप थोड़ा डार्केन कर दें जिससे ये उभर के दिखेगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ओके, आप एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा शेड देकर। आप अलग अलग कलर से शेड दे सकते हैं, अदरवाइज सिंपल
जिस कलर से बनाया है उसी कलर से आप इसको फिलअप कर दीजिए। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इजीली बन जाएगी। और देखिए हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, कुछ डॉट्स लगा दीजिए बीच बीच में, 4 to 5 डॉट्स। और फिर देखिए इसका लुक है ना नाइस। चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। अब ये जो डिज़ाइन है ये सिंपली शायद आपने कई बार बनाई हो, बट इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपली बना दीजिए, ओके। देन इस तरह से सर्कल करके डार्क कर दीजिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ी सी अच्छी लग रही है अब डिज़ाइन। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अब आप कोई कलर ले लीजिए, मैंने यहाँ पे पिंक पेन लिया है, बट आप स्केच पेन यूज़ कीजिए। और जो ऊपर की तरफ गैप्स थे उनको हम फिलअप कर रहे हैं ट्रायंगल का शेप देके। मैं अभी आपको क्लोज़अप व्यू दिखाती हूँ इसका। ये डिज़ाइन भी आप पेपर के दो साइड में यूज़ करें, ऊपर या नीचे, इस तरीके से तो काफ़ी अच्छा लगेगा, देखिए। ओके नाउ ये जो नेक्स्ट डिज़ाइन है इसमें आपको सर्कल्स बनाने हैं। यहाँ पे जो सर्कल्स हैं वो रेंडमली आप बना लीजिए, आप इसको फिलअप भी कर सकते हैं। बट ये डिज़ाइन आप पूरे पेज पे, नीचे जैसे बेस है तो पूरे लाइन पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, और डिफरेंट कलर से बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लुक आता है इसका, देखिए प्रिंटेड डिज़ाइन की तरह लगेगा ये। नाउ नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये कुछ वेस्ट कटिंग्स हैं। ये कटिंग्स हमारी पिछली वीडियो में हमें मिली थी, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब इन कटिंग्स को भी हम कॉर्नर पे लगा के यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको यूज़ भी किया गया है, और इसका एक सैम्पल वीडियो के लास्ट में भी दिया गया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये देखिए। ओके अब इसी डिज़ाइन को हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए, देन स्केच पेन की हेल्प से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दें। डॉटेड कुछ डॉट्स बनाए हैं, उनको हल्की सी डिज़ाइन दे दी। आप सिंपली इस तरीके से कवर पेज भी बना सकते हैं, ओके। नाउ इसी को थोड़ा सा इस तरीके का लुक भी दे सकते हैं, ओके। या फिर जो भी वेस्ट पेपर है उसकी कोई कटिंग्स बना लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने फ्लावर की कटिंग्स ली हैं, आप भी सिमिलर कटिंग्स ले लीजिए और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में अरेंज करके हम नई नई डिज़ाइंस बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे। आप इन छोटी छोटी कटिंग्स को अपने कंटेंट के बीच में भी लगा सकते हैं, और इनको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करके उनको कनेक्ट करके भी डिज़ाइन दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसी तरीके से पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको कनेक्ट भी करके आप दिखा सकते हैं इस तरीके से,
अब ये जो डिज़ाइन है ये वेस्ट कटिंग से बनाई हुई डिज़ाइन है। आपके पास जितने भी वेस्ट कटिंग्स हैं उनको आप ले लीजिए और छोटे छोटे इस तरीके से कटिंग्स बना लीजिए उसकी। और ये जितने डिफरेंट कलर के पेपर्स होंगे उतनी ही ये डिज़ाइन अच्छी दिखेगी। तो आपके पास जितने भी वेस्ट कटिंग्स हैं उनको इकट्ठा करके आप छोटे छोटे एक जैसी कटिंग्स कर लीजिए रफली। और बेसिकली ये जो डिज़ाइन मैं बता रही हूँ ये फ्रंट पेज के लिए है। अब जब आपके पास कटिंग्स हो जाएं तो कॉर्नर्स पे आप ग्लू लगा लीजिए और उस ग्लू पे इन कटिंग्स को अरेंज कर दीजिए। इस तरीके से आप पूरे पेजेस के कॉर्नर पे आप इसको अरेंज कर दें। आप इसको ज़रूर से यूज़ कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखिए, इसी तरह की बहुत सारी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें। Thank you for watching my video.